मस्ती आ गई यार। कुछ भी हो, अपना रात का खाने का इंतजाम और पौवे का जुगाड़ हो गया है। तू तो मेरे मन की बात छिल्ली मलखान। तुम्हें चूहे पकड़ने का धंधा कब से शुरू कर दियो है भैया जी? अरे दरोगा जी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दियो है, वो हमें एक चूहे के 50 रुपए देंगे। वो क्या अचार डालेंगे? हो सकता है भैया कि शायद अचार डाले। क्या ये भी हो सकता है कि सांप पाल रखो तो इसलिए चूहे मंगवा रखे हैं? क्या बात है, इस लौंडे ने अच्छा आइडिया दे दिया हमें। हम तो भूल ही गए थे कि चूहा सांप का प्रिय व्यंजन होता है। अबे लौंडे एक काम करो यार, ये चूहे हमें दे दो। क्यों भैया, अब तुम क्या अचार डालोगे? अबे तुम आम खाओ ना, गुठलियां गाय गिन रहे हो। आम का है ये ले बेटा, पर चूहा 100 रुपया। भैया 100-100 के नोट दो, 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट जो ना बन गए। यार ला, हिंदी में बना रहे हमारा। ले बेटा, थैंक यू भैया। चलिए यहाँ यार, दे 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 दे, ये दान से काट लेंगे। मैं देना यार। ठीका तिवारी भैया, चूहों का क्या करेंगे? कुछ भी करे, अपन को क्या फर्क पड़ता है? अपन को तो डबल फायदा हो गया यार। कारी लौंडो, तुम्हें तो कर आए तो फैला रहे हो हैं? हम सब तो कब से तुम्हें झकर कटी पे ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ है चूहा? अरे आपस में कट्टो कट्टो कट देख रहे हो यार, बताओ ना कहाँ है चूहा? अरे कान के बहरो, चूहा कहाँ है? अरे दरोगा जी बोकाया कि वो जो चूहा है ना, हमने तिवारी भैया को भेज दिया। तुमने सुनो तिवारी की काय को भेज दे? दरोगा जी बात ये आ रही, तुम तो हमें एक चूहा का 50 रुपए ली दे रहे थे हाँ? और हमने तिवारी भैया को एक चूहा ना 100 रुपए में बेचो है। मतलब ससुर जवान की कोनो कीमत नहीं, आदमी मतलब बेकार है। और तुम्हें इतनी चुल्ले काट रही थी तो हमसे ले लेते 100 रुपया, हम दे देते ना, तुमने तिवारी को काय को दे दो। अरे तुम गुस्सा ना करो, तुम्हारा गुस्सा खराब है। एक मिनट ठंड, ऐसा करो एक चूहा को 200 रुपये दे दो। एक चूहा के 200 रुपये दे? पम का है सिंपल। तुम सारे 200 रुपये के लायक नहीं है, तुम 200 लाखों के लायक हो सारे। तुम्हारी सारे खत्म हो चूहा सारे। सॉरी। क्या बात है दरोगा जी, क्यों मार रहे हैं बेजुबान बच्चों को? असल में भैया विभूति, बात ऐसी है कि जस शहर में एक मणिधारी सांप आ गया है। ससुर बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो मां बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। कल्याण से।
हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।